नमस्कार मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंड नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर आरटीआई से खुलासा संकट में भी काम नहीं आ रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन भागलपुर रेशम उद्योग पर प्रभाव बुनकरों की आजीविका खतरे में दिल्ली के एक रोहिंग्या कैंप में बार बार आग लगने से उठते सवाल ग्राउंड रिपोर्ट झमाझम जम बारिश के बीच देश के लिए लड़ते किसान और आखिर में कोरोना अपडेट नए मामले घटे लेकिन मौतें नहीं 24 घंटों में फिर से 4000 के करीब लोगों ने जान गंवाई कोरोना संक्रमण की त्रासदी में हमने पूरे देश में साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों को खो दिया है जिसमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी जिसके कारण उनके चले जाने से बहुत से परिवारों पर बड़ा आर्थिक संकट छा गया है कोरोना के शुरुआत से ही तमाम लोग कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों के लिए मुआवजों की मांग कर रहे हैं जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई इसके साथ ही जिन लोगों ने सरकारी बीमा यानी पी एम जे जे बी वाई की पॉलिसी ली थी उनके परिवारों को क्लेम ना के बराबर ही मिल रहा है हमारे द्वारा आर टी आई में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आई आर डी ए आई ने बताया कि तीस मार्च दो हजार इक्कीस तक मात्र 1163 लोगों को ही कोरोना से संबंधित मौत होने का क्लेम मिला जिसके तहत 23.26 करोड़ रुपए भुगतान किया गया क्लेम की यह संख्या कोरोना से हुई मौतों के सामने बहुत ही कम है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का एक प्राधिकरण एजेंसी है ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत भेजे गए सवाल के जवाब में बताया कि 31 मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कवर कुल लोगों की संख्या चार दशमलव नौ चार करोड़ है वहीं वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बीमा योजना के अंदर शामिल लोगों की संख्या दस करोड़ से अधिक बताता है आईआरडीए और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में जो अंतर नजर आ रहा है वो इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने वाहवाही बटोरने के लिए नामांकन की कुल संख्या में से उन लोगों को हटाया ही नहीं जिन्होंने बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया ही नहीं है इसलिए वित्त मंत्रालय के आंकड़े वास्तविक संख्या से कहीं अधिक नजर आते हैं आरटीआई में प्राप्त आंकड़े जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वर्ष 2015 से 16 में पीएमजेजेबीवाई की शुरुआत होने पर 2.73 करोड़ लोगों ने बीमा पॉलिसी को लिया था परंतु उनमें से अगले साल 2016 से 17 में दो दशमलव दो पाँच करोड़ लोगों ने ही नवीनीकरण करवाया और अड़तालीस दशमलव पाँच लाख लोगों ने नवीनीकरण कराया ही नहीं और इसी साल अट्ठाईस दशमलव सात लाख नए लोगों ने बीमा पॉलिसी खरीदी जिसके चलते दो से सत्रह में कुल नामांकित लोगों की संख्या पिछले साल से घटकर 2.53 दो दशमलव पाँच तीन करोड़ हो गई इसी प्रक्रिया के चलते 2017 से 18 में भी कुल नामांकन दो दशमलव पाँच तीन करोड़ ही रहे और 2018 से 19 में 2 दशमलव 9 आठ करोड़ और 2019 से 20 में 3 दशमलव 7 6 करोड़ और 2020 से 21 में नामांकन की संख्या बढ़कर 4 दशमलव 9 4 करोड़ हो गई 2020 से 21 में पीएमजेजेबीवाई में नामांकित करीब 5 करोड़ लोग देश की वर्तमान जनसंख्या का छोटा हिस्सा है पिछले 6 सालों का तथा कथित विकास किसी भी रूप से देश के आम जन विशेषकर गरीब और वंचितों के लिए सर्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य में कारगर साबित नहीं हुआ है भागलपुर की करीब 100 साल पुरानी बुनाई परंपरा की वजह से इस शहर को बिहार का रेशम शहर कहा जाता रहा है मगर हालिया कोविड 19 लॉकडाउन की वजह से बुनाई उद्योग पर खासा प्रभाव पड़ा है और उद्योग को हो रहे नुकसान की वजह से बुनकरों का जीवन यापन भी मुश्किल से हो पा रहा है बताया जाता है कि अप्रैल 2019 तक उद्योग की हर साल 500 करोड़ तक की बिक्री होती थी मगर इस समय यह गिरकर मात्र 100 करोड़ रह गई है भागलपुर में बुनाई का काम ज्यादातर पिछड़ी जाति के लोग करते हैं हिंदुओं में ताती और मुसलमानों में अंसारी भागलपुर का रेशम दुनिया भर में मशहूर है यहाँ की साड़ी कंबल और कपड़े दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं करों का कहना है कि वह अट्ठारह घंटे तक काम करते हैं मगर उसके बावजूद उनकी कमाई बेहद कम हो पाती है जो पेट भर खाना खाने के लिए भी काफी नहीं होती बुनाई उद्योग पर आया यह संकट लॉकडाउन हटने के बाद भी कितने दिनों बाद हटेगा यह कहना मुश्किल है क्योंकि बाकी उद्योगों की तरह यह उद्योग भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है शनिवार रात को दिल्ली के एक रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में भीषण आग लग गई इस आग में कई शरणार्थियों अपने रहने के ठिकाने और सामान खो दिए रोहिंग्या समुदाय के लोग म्यांमार में उन पर हुए अत्याचारों से बचने के लिए भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं पहले से ही मुश्किलें झील रहे हैं लोगों के लिए कैंप में लगी या आग और भी मुसीबतें लेकर आई है देखिए न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट नमस्कार अभी हम मौजूद हैं कालंदी कुंज के पास कंचन कुंज रोहिंग्या कैंप जहाँ रोहिंग्या शरणार्थी आके पिछले कई सालों से रह रहे हैं यहाँ फिर से एक बार एक आग लगी घटना हुई जिसमें यहाँ रहने वाले तिरपन परिवार और उनके जो तिरपन घर थे पूरी तरीके से जल के तबाह हो चुके हैं यहाँ एक भी घर में कोई सामान नहीं बचा है यहाँ तक कि घर में यूज़ होने वाला राशन से ले और बाकी जो भी आ, सामान होते हैं सब पूरी तरह से जल के खाक हो चुके हैं ये घटना शनिवार रात को करीब 11 साढ़े ग्यारह के बीच में बताई जा रही है जिसके बाद से लोगों में यहाँ एक डर का और दहशत का माहौल है किस तरह से रहेंगे ये यह बहुत यहाँ अधिकतर जो लोग रहते हैं वो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उसके बाद इसके बाद से जो घटना के बाद ना यहाँ लाइट की व्यवस्था या खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से हो रही है और आगे के बारे में अपने जीवन यापन के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं और ये पूरी घटना कैसे घटी इसके पीछे क्या हुआ और किस तरह कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है इसके बारे में यहाँ रहने वाले लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं जुग भी पूरा टोटल खत्म हो गया कोई चीज़ निकाल नहीं पाई कुछ लोग घायल भी हुआ था वो ठीक हो गए फायर ब्रिगेड बारह बजे बारह साढ़े बारह बजे के आसपास आया रह रहे हैं और क्या हो रहा है कैसे, क्या अभी कल रात से ही हम लोग ऐसे ही ना सो पाए हैं ऐसे ही बैठे रहे बैठे हुए हैं पंखा नहीं है बिजली नहीं है और इस तरह ही बैठे हैं वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बना रहे टम्बू ऐसा सुनने में आ रहा है पीछे को दिल्ली सरकार से पानी आया था और एक लीज बनाया गया जो कितना फैमिली है और कितने लोगों को नुकसान हुआ है कुछ उनमें से मुआवजा के तौर पर हम मदद करेंगे इस तरह बोला है तम सब लोग सो रहा था बारह बजे फिर जो समझीदा है एक लेडीज है बेगो औरत उनका घर खाली था उनको घर से आँख इतना बड़ा होकर जल रहा है पता भी नहीं है सब लोग सिल्लाई है अपना अपना बच्चा लेकर भाग रहा है किसी ने बादशाह से कर भाग रहा है शब, सब सब लोग सड़क पे आ गया था फिर भी हम भी डर के बाजार से निकल गया था जो हमारा सामान वगैरह घर पे जितना सामान था वो जल के बुझा हो गया था जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है तो हम लोग गरीब लोग हैं थके हुए लोग हैं हम दिन दिन भर काम पे चले जाते हैं रात में थका, थकान महसूस होता है तो हम रात को जब शाम को काम से लौटते हैं तो हम बिल्कुल थक जाते हैं खाना वाना खा के हम जल्दी सो जाते हैं तो एक आध लोग जो सोते नहीं हैं वो रात को एक बजे दो बजे तक जगा रहता है तो उन्होंने कल रात को जब आग देखा था तो दो तीन बंदे ने जब देखा है आग को तो उस टाइम जो है उन्होंने फिर पहले जो पहले तो जो है किसी को बुलाया नहीं पहले आग बुझाने की कोशिश किया उन्होंने बेचारों ने नहीं कर पाया फिर बाद में जब आग ज़्यादा बड़ा हो गया आप हवा चल रही थी उस टाइम तो उस टाइम जो है उन्होंने फिर आवाज़ लगाया कि ये आग तो बुझाने के लायक नहीं है ये बड़ा हो जाएगा ये हम अपनी जान बचाते हैं फिर सबको बुलाया एक आध तो फैमिली को चिल्ला के आवाज़ दिया है फिर हम सब जागे देखा कि आग आग जो है बिल्कुल दो दिन दो जगिया जो है जल गई थी यहाँ से इस गली से बिल्कुल तो जब दो गली दो जगिया जल गई है हमने सोचा कि आप बुझाने का कोई रास्ता नहीं है हम बच्चे उच्चों को लेकर अपने जान बचा के निकल जाते हैं कुछ लोगों को हमने बुलाया कुछ लोगों को नहीं बुला पाया कुछ लोग तो अपने आप जागे थे और सब हम भागे कोई इधर भागे कोई इधर भागे कोई कैद की तरह भागे भागने के बाद जब हम रोड में चढ़े कुछ लोग इधर हो गए कुछ खुश लोग इधर हो गए तब तक यहाँ से जो हमारा जैत खाली मंदिर खादर का गुंज वाला जो हमारा ये बीट वाला है थाना जो पड़ता है हमारा वहाँ से बीट वाला आया बीट वाला ने आके फिर फायर फिट वालों को कॉल किया फायर फिट वाला आए फिर उन्होंने जब तक फायर फायर फिट वाला आए तब तक दस मिनट में काम ख़त्म तमाम बिल्कुल जल के राग बन गया सिर्फ यहाँ पे कोयला ही कोयला ही था बिल्कुल शमशान बन गया यहाँ पे कुछ नहीं था इसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट भी जल गया होगा सब जल गया यूनिसियार आया था सुबह यूनिसियार वालों ने कहा कल परसों में हम तुम लोगों को कार्ड ला के दे देंगे जी कोविड नाइन्टीन की महामारी का टाइम हुआ है लोगों को प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है बहुत सारा कर्फ्यू दिया है लोगों को हिफाजत कर लिए तो इस तरीके लोगों के साथ जैसे दिल्ली में हो रहा है और जगह में भी इस तरीके हरियाणा में कैम जला जम्मू में कैम जला तो हम लोग एक यूनिसार सर्वाइवर है और यहाँ पे टम्प्ररी शेल्टर के लिए आया इंडिया एक मानव अधिकार देने की कंट्री माना जाता है तो इस जगह में इस तरीके का हादसा हो रहा है इस चीज़ को अगर हुकूमत चाहे तो इस चीज़ से बचा सकते हैं लोगों की अभी फिज़िकली मेंटली उनकी जो है साइकुल सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो ये जो हम लोगों का जो डिग्निटी की जो मसला है हम लोगों का जो राइट्स है रिफ्यूजी राइट्स है ये जो है इंटरनेशनली की फेलियर की वजह से और नेबर कंट्री का जो सपोर्ट uh, नहीं है जैसे इंडिया हमारा कंट्री है उनका जो सपोर्ट नहीं होने की वजह हम लोग के के जहाँ किसानों ने बीके सोलह यानी भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सोलह कैदियों की रिहाई की मांग को तेज किया इसके लिए पूरे पंजाब हरियाणा और उत्तर भारत से बड़ी संख्या में संस्कृति कर्मी लेखक नाटककार जमा हुए देखिए यह खास रिपोर्ट। बॉर्डर में, में, में कौर नगर में, आज भीमा में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर कार्यक्रम उठा और यहाँ से साफ संदेश दिया गया कि जो किसान हैं, वे सिर्फ और सिर्फ खेती के बारे में ही नहीं देश और देश की राजनीति के बारे में सोचते हैं और दखल देना चाहते हैं शायद यही वजह है कि किसान जब सड़क पर उतरे हैं उससे मोदी सरकार चाहे दिखाए कितना भी कि वह परेशान नहीं है लेकिन अंदर से हिली हुई है मोदी सरकार सानू मौसम तो कोई डर नहीं लगता है चक्कर सारे लंघे ने साढ़े ऊपर गर्मी भी लांगी सर्दी सा, भी लांगी गर्मी भी आ गई ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਉਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਤ ਦੀਆਂ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਵੇਆ ਚੋਂ ਲੱਪਣ ਮਾਪੇ ਸਵੇਆ ਚੋਂ ਲੱਪਣ ਮਾਪੇ बैठे रहेंगे जिन्ना चेर नहीं मोदी मानता है उन्ना चेर बैठे ही रहेंगे जमा नहीं जाते वापस करवा के बिल फिर जावे लेकिन थक भी तो जाते हैं नहीं थकते नहीं थकते नहीं थकते तो यहाँ आती है पंद्रह दिन से आप हैं तो फिर घर परिवार कैसे चल रहा है घर परिवार चलाई जाता मगर परिवार घर साढ़े अभी इतनी बीमारी हुई कोरोना तो फिर कोरोना चिंबड़ी नहीं है किसानों

जो लोग अलग अलग आंदोलनों के लिए अलग अलग मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको न सरकार उनकी बात सुन रही है और अगर ज़्यादा आवाज़ उठाते तो उनको जेल के अंदर बंद कर रही है मुझे नहीं लगता कि ये जो आंदोलन है ये बहुत अलग है मुझे लगता है कि एक जुड़ाव है इनमें आम की आम आवाम की आवाज़ बुलंद हो और उसकी मांगे लोकतंत्र की सरकार के द्वारा सुनी जाए और उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और उनको आ, मतलब वो लोकतंत्र के लिए बहुत अहम लोग हैं और उनकी महत्व समझी जाए तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही आंदोलन है एक अलग अलग रूप में उसी आंदोलन के सोमवार यानी 14 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज करीब ढाई महीने बाद कोरोना के इकहत्तर हज़ार एक नए मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 3,922 मरीजों की मौत दर्ज की गई है साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित एक लाख उन्नीस हजार पाँच सौ चौहत्तर मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में तिरपन हज़ार एक मामले कम हुए हैं देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर दो करोड़ पंचानवे लाख नौ हज़ार आठ सौ साठ हो गई है जिनमें से अब तक तीन लाख तिहत्तर हज़ार सात सौ अड़तीस लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पीड़ित पंचानबे दशमलव चार तीन फीसदी यानी दो करोड़ इक्यासी लाख पचपन हजार तीन सौ सत्रह मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर तीन दशमलव दो नौ फीसदी यानी नौ लाख तिहत्तर हजार एक सौ अंठावन हो गई है आज के डेट ऑर्डर में बस इतना ही न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया